दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और कहाँ पे हाजिर हूँ? ये फेमस अफगान पाक अफगान बॉर्डर पे। और मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने में अभी मसले मसाइल काफ़ी है। क्या मसले मसाइल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस वजह से हम लोग अभी सेंट्रल एशिया नहीं जा पा रहे हैं। जाना तो अभी आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त हो क्या है काबुल गया होता, पेशावर से काबुल गया होता। इधर से जाना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उधर से वापसी पर जो है ना, इधर उसको पूरा दिन लगा था क्लियर होने में, क्योंकि यहाँ पे मसले मसाइल काफ़ी होते हैं। आना ज़रा मुश्किल है अफगानिस्तान से, तो इधर से जाना भी थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ से काबुल टोटल 200 किलोमीटर है। बॉर्डर क्रॉसिंग में आपको टोटल घंटे से मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान वाली साइड में। बाकी आप 3 से 4 घंटे आपको काबुल लगते हैं, और काबुल से आगे फिर आप एक दिन स्टे करके आप आगे सेंट्रल एशिया के लिए निकल जाएंगे। वहाँ से आगे फिर टाइम लगेगा आपको 7 से 8 घंटे का, जो आगे उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के बॉर्डर है, काबुल से इतना टाइम लगता है। लेकिन मेन मसला ये कि एक तो कोरोना है, कोरोना की वजह से आना जाना ज़रा मुश्किल है। आगे सेंट्रल एशिया के जो बॉर्डर्स है उसके ऊपर सख्तियाँ हैं। सेकेंड ये कोरोना, और साथ में ये जो अफगानिस्तान के ऊपर अभी सेंक्शन वगैरह के इशू चल रहा है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता मैं तो अभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। बस सर्विस के ऊपर काफ़ी काम हो चुका था, चला रहे हैं, लेकिन मेन मसला यही है कि अभी तब जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं मिलती, तब तक अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत इशू चलता रहेगा। आना जाना भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। 7 के 8 मार्च को उज़्बेकिस्तान के सदर आ रहे हैं, के वज़ीर आज़म आई थिंक सदर आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले उनके ट्रेड मिनिस्टर थे, साथ में एक दो और भी ऑफिशियल थे, बल्कि 23-24 बंदे आए हुए थे उनके ऑफिशियल्स थे। यही ट्रेड से मुतालिक और कनेक्टिविटी से मुतालिक उनकी मीटिंग्स हुई, वज़ीर आज़म के साथ भी हुई थी और बाकी आर्मी चीफ वगैरह के साथ भी हुई थी, और अभी 7-8 तारीख को उनके प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। वो सारा कुछ यही कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिए, रोड रेल कनेक्टिविटी, गैस पाइपलाइन, इन सब चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। साथ में ये मैं वैसे वो पिक्चर्स वगैरह भी डाल दूंगा, वो जो अखबार में एड्स वगैरह आई हुई थी, उनके जो आने की खबरें आई हुई थी, वो सारा कुछ, उनके जो मीटिंग्स हुए वो सारा कुछ, के क्या क्या बातें हुई हैं वो वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और प्लेन कनेक्टिविटी, फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, फ़्लाइट्स की हमारी इनके साथ जो कनेक्टिविटी है ना होने के बराबर है सेंट्रल एशिया के साथ। अभी मेन इशू ये भी आ गया कि वो जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, तो ये अलग से पंगा, तो और ज़्यादा इस सख्त पे सेंट्रल एशिया वालों ने सख्ती शुरू कर दी। थर्ड ये था कि अभी उज़्बेकिस्तान तक, ताजिकिस्तान, मुझे नाम भूल गया, उसके जो लोग थे अपनी प्रेसिडेंट वगैरह के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, तेल की प्राइसेस बढ़ी थी, महंगाई के खिलाफ, तो दरमियान में कुछ और एलिमेंट्स भी थे। तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरा भी प्लान है, मैं खुद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ में अभी ये कि दोस्ती बस सर्विस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। थोड़ा सा सब्र करें, हालात थोड़ा बेहतर होने दे, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर बाद में आप लोग जाएंगे। सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, इंशाल्लाह उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं उज़्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान के। मैं वीडियो के नीचे सब टाइटल में डाल दूंगा कि कौन आ रहा है। 7-8 तारीख को उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वज़ीर आज़म के साथ और प्रेसिडेंट्स वगैरह के साथ, तो वो यही चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और फ़्लाइट्स वगैरह के बारे में। तो इंशाल्लाह एक आप लोग नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब ये हालात बेहतर हो जाए, ताकि हम लोग भी यहाँ से ट्रैवल कर सकें, क्योंकि अभी थोड़ी सी सख्ती है। बाकी ये पीछे आपको वही फेमस दर ख़्वाब नज़र आ रहा होगा, अमीर तैमूर, हाँ, और ये पीछे अमीर तैमूर साहब का वो पांसी घाट है, फेमस जंगजू बादशाह अमीर तैमूर सेंट्रल एशिया से होके आए थे, और ये उनका पीछे जो है ना फेमस पांसी घाट है, यहाँ पे उन्होंने 150 लोगों को पांसी दी थी। तो ये वही फेमस दर खैबर है, इसी तरह से इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब तक हालात थोड़े से बेहतर ना हो जाए, थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व आउट हो जाए, तो इंशाल्लाह हम खुद जाएंगे इन्हीं रस्तों के थ्रू सेंट्रल एशिया में, आप लोगों को दिखाएंगे। बुखारा जाएंगे, समरकंद जाएंगे, अलमाते जाएंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ अर्सा इंतज़ार, 3-4 महीने 5 महीने, जब तक ये कोरोना के ये जो 5 वर्ष पहले इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि कोरोना के लिए ये टेस्ट वगैरह ये बहुत तंग करता है। सेकेंड ये है कि ये वीज़ा में ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि उस साइड पे भी बॉर्डर वालों ने सख्ती की, अफगानिस्तान के जो नेबर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं उनकी सख्ती, उन्होंने भी थोड़े से बॉर्डर स्ट्रिक्ट किए हुए हैं। तो जैसे ही थोड़े हालात बेहतर होते, इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे यहाँ से, और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है।
मेरा खुद दल तो ये देखिए अभी दूसरी बार मैं इधर बॉर्डर तक आ गया, लेकिन आगे बॉर्डर से उस तरफ जाना अभी थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इस सेंस में नहीं है कि कोई उधर हालात सख्त है, लेकिन ये है कि थोड़ा और बेहतर होने दे चीज़ें तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। क्योंकि अभी मेरा दोस्त काबुल होके गया हुआ है, वो अभी आया वापस, कोई कहता है किसी तरह का इशू नहीं था, मैं यहाँ से होके जा रहा था, बस उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा कि भाई मेरे मामू लोग वगैरह उधर रहते हैं, हाँ उसके रहते हैं, एक्चुअल में रहते हैं, बस ठीक है। कहता है ना इधर से जाने में अब मसला था, वापसी पर रश ज़्यादा था, तो उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा बॉर्डर पे वापस पाकिस्तान की तरफ आते हुए, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, साथ जुड़े रहिए, स्टे ब्लेस्ड।